हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट इयर रिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हुक 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, इयररिंग हुक, जंप रिंग, हेड पिन, कटर, प्लायर और स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई, चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 3 चेन यानी 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट इस रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, इस रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 चेन 1, 2, नेक्स्ट स्ट्रिंग में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 चेन। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट 2 चेन बना लिए, थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में यानी 1, 2, 3, 3 चेन बनाए। थर्ड चेन में यहाँ स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट यहाँ चेन गैप बनाए। 4 चेन गैप है, 1, 2, 3, 4 चेन गैप में स्लिप स्टिच डालेंगे। फिर से चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 3 चेन यानी 1 डबल क्रोशे, सेम गैप में डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, सेम गैप में डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 चेन, सेम गैप में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन 1, नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 चेन, नेक्स्ट सेम गैप में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन 1। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन 1 बना लिए। यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, यहाँ चेन गैप बनाए हैं, चेन गैप में स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ 11 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, वन ट्रिपल क्रोशे, टू ट्रिपल क्रोशे,
थ्री ट्रिपल क्रोशे। इस तरह इस गैप में 11 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 11 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। नेक्स्ट गैप में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट गैप में 11 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। वन ट्रिपल क्रोशे, टू ट्रिपल क्रोशे। इस तरह इस गैप में 11 ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। 11 ट्रिपल क्रोशे बना लिए। नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच डालेंगे। चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट गैप में वन सिंगल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन वन, नेक्स्ट गैप में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, सेम गैप में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन वन, सेम गैप में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह से इसे बना लेंगे। चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट यहाँ चेन गैप में हम वन सिंगल क्रोशे बनाए हैं। सिंगल क्रोशे के ऊपर यहाँ स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन वन बनाए, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को कट करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से इसे बना लेना है। नेक्स्ट इसके बैक साइड में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ मिडिल में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। नेक्स्ट इसके बैक साइड में स्टार सप्लाई करेंगे। तरह से स्टार सप्लाई करना है। नेक्स्ट फ्रंट की ओर से यहाँ मिडिल में हुक डालेंगे। इस तरह से राउंड शेप देना है।
बीट की हेल्प से मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, शेप देंगे। नेक्स्ट यहाँ बैक साइड से बीट की हेल्प से प्रेस करेंगे, शेप देंगे। यहाँ इस तरह से प्रेस करेंगे, शेप देंगे, इस तरह से शेप देना है। इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से टू पीसेस बना लेना है। नेक्स्ट हेड पिन लेंगे, इसको यहाँ से मोड़ेंगे, हुक बनाएंगे। इस तरह से हुक बना लेना है। नेक्स्ट इसको यहाँ से कट करेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। इसके ऊपर इस तरह से थ्रेड को चिपका देंगे। थ्रेड को इसके ऊपर रोल करेंगे। फिर से इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। थ्रेड को इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। नेक्स्ट जंप रिंग लेंगे, इसको खोलेंगे। नेक्स्ट इसे हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। इयररिंग हुक लेंगे, इसे भी हम इसके अंदर डालेंगे। नेक्स्ट इसको बंद करेंगे, इस तरह से इसे डाल लेना है। नेक्स्ट इसे लेंगे, यहाँ मिडिल में ग्लू लगाएंगे। इसे इसके ऊपर इस तरह से मिडिल में चिपका देंगे। इस तरह से चिपका लेना है। नेक्स्ट यहाँ बॉर्डर में ग्लू लगाएंगे। इस तरह से बॉर्डर में ग्लू लगा लेना है। नेक्स्ट और एक पीस लेंगे, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से इक्वल करके इसे चिपका देंगे। इस तरह से इक्वल करके चिपका लेना है। फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट है। फ्रेंड्स, हमारे दोनों इयर रिंग्स रेडी है। आप भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्यूट इयर रिंग्स है ये।